अब हनुमान जी बनकर के प्रकट भय अंजनानंदनम वीरम, अंजनानंदन बनकर प्रकट भय थोड़ा बड़े भय। अब हनुमान जी ने एक दिन माता जी से कहा हमको भूख लगी है। भूख लगी? माता ने कहा हम अभी आपको लाल लाल फल ला रहे। जब तक माता जी फल लाने के लिए गई तब तक उगे हुए लाल लाल सूर्य को ही हनुमान जी फल समझ बैठे। एक छलांग मार कर गगन में उड़कर ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खा लिया। एक बार नहीं पाला, जहां पा लिया हाहाकार मच गया। जब देवताओं ने स्तुति की तब जाकर के हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छोड़ा। अन्य अन्य कथाएं भी जुड़ी हैं। हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को छोड़ा और वापस आए, आज भी सूर्य भगवान उदय होने के ठीक बाद लाल से पीले पड़ जाते हैं। पता है क्यों? इन्हें आज भी डर है कि ज्यादा देर तक लाल रहेंगे तो कहीं फिर से बोलो सीताराम। एक उछाल गगन में जाकर के हनुमान जी ने लाल फल समझ करके सूर्य को पा लिया। इतनी शक्ति के धाम अतुलित बल धामम श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज कामच्चई। हनुमान जी महाराज के बल को देखकर देवता भी चकित रह गए, माता पिता भी हनुमान जी के परेशान होने लगे। इतना बल है, इतना अतुलनीय बल कि जब हनुमान जी भरत जी के और शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी के कुमारों को कथा सुना रहे हैं तब वो बताते हैं उन कुमारों को कथा सुनाते हुए कि बच्चों हम बचपन में इतने बलवान थे। हनुमान जी कथा सुनाते कहते इतने बलवान थे कि बड़े बड़े हाथी गज जब वन में घूमा करते थे तो हम उनके पैर पकड़ करके उनको छटपटा करके छोड़ देते। बड़े बड़े गजों को पकड़ लेते, उनके पैर पकड़ कर फेंक देते, वृक्षों को उखाड़ डालते थे। उखाड़ते हम सहजता में थे तो उछाल मारते थे वृक्ष उखड़ जाते थे। इतना बल देख करके हनुमान जी कहते हैं हमारे माता पिता परेशान रहने लगे। अच्छा हनुमान जी में बल कितना है? हनुमान जी के बल का कोई भी पार नहीं है। अतुलनीय बल है, अतुलनीय बल है। एक संत कहते थे एक गज जिसमें एक हाथी बराबर बल होता है उसको कहते हैं गज, जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो राजा इंद्र का हाथी है ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी का जिसमें बल होता वो बनता है इंद्र, और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब गुणा भाग लगा लीजिए कितना बल है हनुमान जी में। इतना अतुलनीय बल है हनुमान जी के अंदर। हनुमान जी कहते हैं उन कुमारों को कथा सुनाते हुए, हे कुमारो बड़े बड़े सिंह बड़े बड़े व्याघ्र जब हमको दिखाई पड़ जाते थे, हम उन बड़े बड़े सिंह जब हमको देखकर गुर्राते थे हम उनका कान उमेट करके उनको दूर फेंक देते थे। इतना बल था बड़ी बड़ी शिलाओं को पटक कर हम भूकंप भूचाल जैसा हाल पृथ्वी का कर देते थे। हनुमान जी कहते हे कुमारो हमारे उस बल को देखकर हमारी माता जी चिंतित रहने लगी। क्यों? इतना बल तो ठीक है पर ये बल कहीं मानवों के लिए घातक ना हो जाए। बालक है, चपलता है, चंचलता है, चंचल है, वैसे भी कपि चंचल होता ही है, वानर तो चंचल ही होते हैं। अब क्या उपाय किया जाए? ऋषि मुनियों से प्रार्थना की। एक महात्मा ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, हे वानर तुम्हें अपने बल का बड़ा अभिमान है, बड़ी उछल कूद करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमको अपना बल का विस्मरण हो जाए, जब कोई तुमको स्मरण कराएगा तभी तुम्हें बल स्मरण में आएगा। लेकिन यह श्राप भी हनुमान जी कहते हे कुमारो हमारी माता जी की प्रार्थना पर मिला और ठीक मिला। उसके बाद हमें अपने बल का ध्यान नहीं रहता, ध्यान कराना पड़ता,
और इसका प्रमाण भी रामचरितमानस में किस किंधा कांड में प्राप्त हुआ। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, सब जब बानर अपने अपने बल का प्रभाव बताने लगे, अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कछ फिर की बारा, हम जा तो सकते हैं पर वापस आने में कठिनता है। जामवंत जी कहते, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धार, अब हमारी उम्र अलग हो गई है, अब हम भी लंका नहीं जा सकते, समुद्र पार नहीं कर सकते। तब जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर गई, हनुमान जी को देख कर कहा, हे अंजना नंदनम, हे श्री राम दूतम, हे कामत जयी हनुमान, अरे हे किम पुरुष हनुमान, आप यहाँ पर ध्यान करने आए हो या जानकी जी का पता लगाने आए हो? हनुमान जी कहते, हे कुमारो, जब रामवंत जी ने तरह तरह से हमें जगाने का प्रयत्न किया, फिर भी हमारा ध्यान नहीं छूटा। क्या क्या प्रयत्न किया? जामवंत जी ने पहला प्रयत्न किया, पहला प्रयोग जामवंत जी ने किया, हे हनुमान जी उठो, तुम वीर हो, महावीर हो, तुम्हारा तुम इस पृथ्वी पर तुमसे ज्यादा कोई बलशाली नहीं है, आप खड़े हो जाओ, जाकर के लंका जाकर जानकी जी का पता लगा लाओ। हनुमान जी खड़े नहीं है। दूसरा प्रयोग किया, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आप लेकिन उठ करके जानकी जी का पता लगा लाओ। हनुमान जी खड़े नहीं भय। तीसरा प्रयोग किया, पिताजी का नाम लिया, आपके पिताजी साधारण नहीं है, पवन कुमार हो आप खड़े हो जाओ। पर हनुमान जी खड़े नहीं भय। पर हनुमान जी खड़े कब भय? जब जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, जब इतना बल याद जामवंत जी ने करवाया, तब हनुमान जी खड़े भय। ऐसे खड़े नहीं भय, सुनत ही भयो पर्वत तारा, पर्वत के आकार लेकर के हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए, विशाल काय शरीर धारण कर लिया और जामवंत जी की तरफ देख कर बोले, जामवंत जी आप लंका से जानकी जी का पता लगाने की बात कर रहे, तुम कहो कि हम पूरी लंका ही उठा के ले आए, यही पता लगा लेंगे बाद में। जामवंत जी बोले, ऐसा मत कर देना। बोले क्यों? हनुमान जी बोले, आप कहो तो त्रिकूट पर्वत को ही उठा लाए, रावण को मारे आए। जामवंत जी बोले, राम कथा तुम ही पूरी मत कर दो, कुछ राम जी के लिए भी तो छोड़ दो, तो करना क्या है? लेकिन जामवंत जी बूढ़े हैं, बूढ़ों को बड़ा अनुभव होता है, इसलिए हमेशा सलाहकार बूढ़ों को रखना चाहिए। बोलो सीताराम, हे हनुमान जी इतना जाकर के करो, जानकी जी की खबर लेकर के आ जाओ। हनुमान जी कुमारों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कुमारो इस प्रकार से हमारे अंदर अतुलनीय बल है, लेकिन हमको स्मरण नहीं रहता, जब कोई स्मरण करवाता है तब ध्यान आता है। हनुमान चालीसा के पाठ पर हम जोर देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में हनुमान जी का बल याद करवाया जाता है कि आप वही हनुमान हो जो लंका गए थे, आप वही हनुमान हो जो संतों के रक्षक हैं, आप वही हनुमान हो जिनका नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।